गांधी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका इस पवित्र भूमि में बहुत बहुत स्वागत। आपने सुबह सुबह यहां आकर अपना समर्थन देकर हमारी मदद की, इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ महीने पहले हमने ये यात्रा कन्याकुमारी में शुरू की और अब तकरीबन 3000 किलोमीटर ये यात्रा चल ली है। कश्मीर तक जाएगी, श्रीनगर में ये यात्रा खत्म होगी। देश में नफरत, हिंसा का माहौल फैलाया गया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जात को दूसरी जात से, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का, और इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। जब यात्रा शुरू की थी केरल में, तमिलनाडु में शुरू की, हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, मित्र कह देता हूं मगर हमारी बात तो रखते नहीं है कभी, प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाते हैं 24 घंटे, बेरोजगारी की बात नहीं रखते, महंगाई की बात नहीं उठाते। तो इन्होंने कहा कि देखिए, ये यात्रा जो है ये तमिलनाडु में, केरला में सफल हो जाएगी, मगर जब ये कर्नाटक पहुंचेगी तो ये फेल होगी। बीजेपी की सरकार है, वहां पे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कर्नाटक में गए, केरल से, तमिलनाडु से बेहतर रिस्पॉन्स। फिर उन्होंने कहा, बीजेपी के लोगों ने भी कहा, हां ठीक है, कर्नाटक तो साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र में रिस्पॉन्स नहीं। महाराष्ट्र में आए और जबरदस्त रिस्पॉन्स। फिर कहा ठीक है, महाराष्ट्र में हो गया, हिंदी बेल्ट में तो नहीं होगा, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से भी बेहतर रिस्पॉन्स। फिर कहा ठीक है, हिंदी बेल्ट में रिस्पॉन्स हो गया, आगे नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा में उससे बेहतर, और अभी हुडा जी ने कहा कि पंजाब में हरियाणा से भी बेहतर रिस्पॉन्स होने वाला है। और इसका कारण है कि ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश की हिस्ट्री नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है, रिस्पेक्ट का देश है, और इसीलिए यात्रा सफल हो रही है। लोगों ने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता 3000 किलोमीटर चल रहे हैं, और जहां भी मैं जाता हूं मैं कहता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब का हर एक किसान हमसे ज्यादा चलता है। ठीक है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं चलता है, मगर वो अपने खेत में रोज चलता है, मंडी तक पैदल जाता है, खाद खरीदने पैदल जाता है, बीज खरीदने पैदल जाता है। तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये पूरा हिंदुस्तान
ये काम करता है, इन सड़कों पे चढ़ता है। सीखने को बहुत मिला, किसानों से बात हुई, छोटे दुकानदारों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, बेरोजगार युवाओं से बात हुई, माताएं बहनों से बात हुई, और जो आपका ज्ञान है उससे बहुत समझने को मिला। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जो हमारी यात्रा है इसमें हम लंबे भाषण नहीं देते हैं, ये बोलने की यात्रा नहीं है, ये सुनने की यात्रा है। सुबह हम 6 बजे उठते हैं, पैदल चलते हैं तकरीबन 25 किलोमीटर, यहां पे शायद 7 बजे यात्रा शुरू होगी, और हम 6-7 घंटे आपकी बात सुनते हैं, और फिर चलने के बाद 10-15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। तो इस यात्रा का स्पिरिट सुनने का है, बोलने का नहीं है। और हमें लगा कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, नफरत, हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों को ये यात्रा उठाए और इनके खिलाफ ये यात्रा लड़ाई लड़े। आपने अपनी शक्ति दी, आपसे अब अगले 10 दिन हम बातचीत करेंगे, मिलेंगे, गले लगेंगे। आप सुबह सुबह आए, इसके लिए दिल से फिर से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल जी।